हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है ये होगी आप लोगों के लिए वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे कि 24 से 30 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आपकी राशि में। इस रीडिंग में हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, करियर भी देखेंगे, लव भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता, आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और नाम के अनुसार डिटेल्स डाल रखे हैं। जिनको नाम के अनुसार चेक करने में दिक्कत हो रही है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, आप इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करें, ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा। देखो, मून साइन के हिसाब से या नाम के हिसाब से देखते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी इट्स अप टू यू। टैरो रीडिंग है, आप चाहे सन साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं इस रीडिंग को, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग में हम लोग जो है आपको जितना मतलब डीप में या जितना एनालिसिस करके बता सकते हैं उतनी पूरी कोशिश की जाएगी। यदि आप लोगों को मेरी वीकली रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप में कई लोग आते जरूर है, वीडियो देखते हैं, आप लोग रेगुलर वॉचर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी तरीके का डोनेशन वगैरह करना है तो उसके लिए आप सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं और डोनेशन कर सकते हैं, जितना भी आपका चॉइस है उस हिसाब से। उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट बनवाने हैं या पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को, और अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बारी है पाइसिस राशि की, यानी कि मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल 24 to 30 जून। सबसे पहले करियर और फाइनेंस देखेंगे, यूनिवर्स मुझे पता है करियर और फाइनेंसिस में मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल 24 जून से 30 जून तक। लवर्स, डेविल, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ वॉन्स। प्रेशर बहुत बनेगा, काम का बहुत प्रेशर रहेगा, डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, काम में डीले भी करते हुए नजर आ रहे हैं, काम में मन नहीं लगेगा इस हफ्ते। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा छुट्टी कर ले, आराम कर ले, कल देख लेंगे। प्रेशराइज बहुत फील होगा, बेसिकली काम है नहीं है, आप प्रेशर बहुत फील करेंगे इस हफ्ते। कहीं ना कहीं आपको जो है अपने किसी पुराने मित्र की बहुत याद आएगी, या किसी बिछड़े हुए प्यार की, किसी प्रेमी इंसान की आपको याद आएगी। मतलब कोई प्रेमी पर्सन, मतलब प्रेमी पर्सन एक्चुअली जो प्रेमी है या प्रेमिका, कोई पिछले टाइप के एक्स वगैरह, तो वो याद आ सकते हैं। बेसिकली आप अपनी लव लाइफ पे ज्यादा मुझे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, मन में डिजायर्स बढ़ सकती हैं। ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स या एडिक्शंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को लेकर डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स वगैरह जो चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो इन्वेस्टर डेफिनेटली हफ्ते के स्टार्ट में ही कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। लेकिन हाँ, इस हफ्ते काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत बनने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मन थोड़ा सा फोकस नहीं रहेगा काम में, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। काम में ध्यान देना है लेकिन बार बार मन यहाँ वहाँ भटकेगा और हर चीज़ को कल पे टालने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बॉस जो है आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आसपास के लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर माइंड जो है आपका खराब करते हुए या आपको उल्टा सीधा सुनाते हुए नजर आएंगे। बिजनेस वालों का भी सेम हाल है, अपने दिमाग में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या छूट गया उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्या मिल रहा है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ में किए गए संघर्ष और स्ट्रगल्स पर इतना ज़्यादा रहेगा कि अपनी मन की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। जो प्रेजेंट लाइफ में अच्छी चीजें हैं जिसमें आप ग्रेटफुल हो सकते हो, उस चीज पे ध्यान ही नहीं जाएगा। फाइनेंसेस की बात की जाए तो इस हफ्ते में कुछ खास फाइनेंसेस नहीं है, ना ही कुछ इस हफ्ते करियर या आपके जॉब या बिजनेस में कुछ बड़ा पीक आप अचीव कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। इस वीक आपका ध्यान कहीं भटका भटका सा है, आप कहीं खोए खोए से हैं, सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी जिन लोगों को जॉब चाहिए उन लोगों के लिए क्या अपडेट है। मीन राशि वालों के लिए मुझे बताएं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको क्या जॉब मिलेगी, मन चाहिए 24 जून से 30 जून, क्या मन चाहिए जॉब मिलेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं या कंफर्टेबल कोई जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। मन चाह जॉब अगर आप चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्याली पुलाव ज्यादा बना रहे हैं, अप्रोच कम कर रहे हैं, ट्राई ज्यादा कर नहीं रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे, ऐसी एनर्जी है। एफर्ट डालेंगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज इस हफ्ते तो आप मुझे बहुत लेजी से स्लो डाउन होते हुए। मन में इच्छा है तो बहुत सारी है, आपको ये करना है वो करना है, पर उसके लिए एक्शन भी तो लेना जरूरी है। एक्शन आप ले नहीं रहे हैं जिसकी वजह से वो जॉब जो आपको मिल सकती है वो मिल नहीं रही है। आप एकदम कंफर्ट जोन वाला कोई जॉब ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यार, संघर्ष जो है वो करने ही पड़ जाते हैं, लाइफ में कुछ भी स्मूथ या ईजी नहीं रहता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, वो फेस करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपको जो है स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा, आप ना चाहते हुए भी आपको जो है अपना कंफर्ट जोन त्याग करके ही ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। अदरवाइज मैं अगर देखूँ तो जॉब के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगा, यहाँ पर जॉब मन चाहिए मिलती हुई नजर नहीं आ रही। संघर्ष ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करना है, तभी बात बन सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो क्या अपडेट है। मीन राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है जून 24 से 30।
Five of Wands, King of Cups, Eight of Swords, Ten of Cups and the Moon. स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने फील्ड में, अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा खुद को स्टक फील करेंगे. क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है यार, हमेशा पढ़ाई करके क्या ही हमने उखाड़ लेना है, क्या अचीव कर लेना है, इस तरीके के सोच विचार ही रहेंगे. आपका मन जो है बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड है. इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली यू नीड हेल्प और या यू नीड हीलिंग. आपकी हीलिंग की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है. आप अपनी जिंदगी में मोटिवेशन फील नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके का एक्साइटमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज को लेकर जैसे गोल ओरिएंटेड होता है ना, वो नहीं कर पा रहे. इसी की वजह से आपके करियर, फाइनेंस और आपकी जॉब के रिलेटेड, और इसी की वजह से आपकी स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है. आपका फोकस बेसिकली दूसरों की लाइफ पे भी ज्यादा है. ऐसा लग रहा है आप दूसरों को देख रहे हैं कि यार इसने अचीव कर लिया, ये मिलियनेयर बन गया, ये बिलियनेयर बन गया, ये तो रिची रिच है, या इस इंसान का काम देखो, इसको कितना तारीफ मिल रहा है, इसको कितना अच्छा मिल रहा है, या मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी तारीफ नहीं होती, दूसरों के काम की बहुत तारीफ होती है. काइंड ऑफ होता है ना कि कंपेरिजन करना, दूसरे की तरक्की को देखना, ऐसा सोचना कि अरे मैं कम हो गया. तो ऐसा लग रहा है आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके इस तरीके के सोच विचार जिसमें आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इसके वजह से ही चीजें आपके लिए उलट रही हैं. यहाँ पर मून की एनर्जी खुद के डिप्रेस्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है. इसके वजह से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं. स्टूडेंट्स को लग रहा है दूसरे वाले बहुत ज्यादा अचीव कर रहे हैं, या इनको तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया पर मुझे अच्छे नहीं मिला, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इनको तो अच्छे क्लासेस में एडमिशन मिला मेरा रह गया, या इसके तो अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे. तो इस तरीके का कंपेरेटिवली वो इशू ज्यादा दिख रहा है जहां पर आप जो है नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको हीलिंग की जरूरत है. हीलिंग का मतलब ये है कि यू नीड टू डेज ऑफ ब्रेक. दो दिन का ब्रेक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर काम नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, काम में जॉब में मन नहीं लग रहा है, इट्स ओके. खुद को गिल्ट ट्रिप देने की जगह वो दो दिन की छुट्टी ले लो. उस दो दिन में आराम करो, नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम देखो, जो भी देखना है देखो, इंजॉय करो, खाओ पियो, इंजॉय करो, एक पॉपकॉर्न उठाओ, वो सब करो जो आपको लग रहा है कि मुझे करने की जरूरत है. बट राइट आफ्टर टू डेज अपने काम पे ऐसे लग जाओ जैसे कि आपने जिंदगी में जितना काम करना है उसे एक दिन में ही करना है. समझ लो कि आपको अपना ब्रेक लेकर वापस बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा और फुल जोश के साथ, अभी आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी. बेसिकली यू नीड ब्रेक, और वो ब्रेक नहीं मिलने की वजह से आप दिन ब दिन और एग्जॉस्ट हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, आपका दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इस तरीके की सोच विचार पे चल रहा है. स्ट्रेस लेने की जगह यू नीड ब्रेक. चाहे कितना भी आपको काम इस वक्त है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए. ब्रेक लेते ही आप बेटर फील करेंगे एटलीस्ट. और कुछ ना सही कि एक मन पसंद की कॉफी, पसंद की चाय वगैरह बनाकर अपने लिए कुछ घंटे निकालकर आप जो है बैठे, उसके बाद ही फिर से अपना काम पे लगे. थोड़ा ब्रेक लें और फिर काम पे लगे, आपका काम पे फिर उसके बाद ही ध्यान बैठ पाएगा, ठीक है, बिकॉज यू नीड अ ब्रेक. ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे समय अच्छा नहीं दिख रहा है. टेस्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं है, एडमिशन्स वगैरह के लिए डिलेज दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है मन थोड़ा सा भावुक ज्यादा रहेगा, फैमिली को लेकर इरिटेट होते हुए नजर आएंगे. ऐसा लगेगा कि फैमिली मेरी अच्छी नहीं है, या मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मेरी फैमिली में मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग या सपोर्ट नहीं मिलता. तो इस तरीके का थॉट आप सोचना शुरू कर देंगे. बेसिकली आप नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं. यहाँ पर हेल्थ के लिए देख लेते हैं इस हफ्ते क्या एक्सपेक्टेड है. यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस राशि वालों के लिए जून 24 से 30 हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए. क्वीन ऑफ कप्स, Five of Pentacles, Page of Pentacles. हेल्थ आपकी ठीक ठाक ही है, हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही. पैसों को लेकर या आप अपनी लाइफ के फेलियर्स को लेकर ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, हेल्थ को लेकर मुझे मेजर नहीं दिखाई दे रही. हाँ, ज्यादा ज्यादा दवाइयों पे या आप किसी और की बीमारी पे ज्यादा खर्चा करते हुए जरूर नजर आ रहे. मेडिकल एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान मुझे जरूर दिखाई दे रहा है कि आपके खर्चे होंगे, बट इतना कोई आपकी हेल्थ मुझे ज्यादा बिगड़ती हुई कुछ नहीं दिख रहा है. ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी हेल्थ खराब होगी. अगर कुछ हुआ अभी तो बेसिक से बेसिक स्किन एलर्जी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्किन रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इस वीक, जो कि आपको सडनली ड्राइनेस या इचिंग हो सकती है, या सडनली कुछ आपको बॉडी में किसी कैल्शियम की कमी की वजह से स्किन में कुछ प्रॉब्लम या रैशेस होते हुए नजर आ सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आपका प्रॉब्लम आ सकता है. अदरवाइज मेजर मुझे कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत हैवी एनर्जी में कुछ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है, ठीक है. तो खर्चे हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है. और खर्चे जरूरी नहीं कि आप ही को लेकर, किसी और की बीमारी को लेकर भी खर्च हो सकता है. लेट्स सी आप लोगों के लिए. मैं देखूँ अगर आप मैरिड है तो क्या एक्सपेक्टेड है. मीन राशि वालों, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. जो रीडिंग आती है मैं उसी बेस पे बताती हूँ. शुगर कोटेड बातें करके मुझे आपको खुश करने की कोई वो लगता नहीं है कि राइट है. आज मैं खुश करूं और कल कुछ और चीजें हो, इससे बेहतर मुझे सच ही बताना सही लगता है. तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मीन राशि वालों में आपके साथ बहुत मीन हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं हाँ आप सभी राशि वालों के लिए एक जैसा ही सोचती हूँ, सभी के लिए बहुत अच्छा ही सोचती हूँ, सब लोगों के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है. तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे. ग्रह नक्षत्रों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. जो ग्रह नक्षत्र है वो जैसे है वो आपके सामने ही है, ठीक है. सो लेट्स सी मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है. मीन राशि वाले जो मैरिड है 24 जून से, क्योंकि बहुत लोग भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं फिर कमेंट बॉक्स में, आप गलत ही बोलते हैं, ऐसा ही करते हैं, मीन राशि वालों के तो आपको दुश्मन है. वैसा नहीं है यार, सब राशियां एक जैसी है मेरे लिए. यूनिवर्स मुझे बताएं मैरिड लोग जो है, मीन राशि वाले जो मैरिड लोग हैं, उन लोगों के लिए 24 जून से 30 जून क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में.
क्वीन ऑफ वॉन्स, टावर, एम्प्रेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड। मैरिड लोगों के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने अपने मैरिज में बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी मन की डिजायर ना कहीं आपके रिलेशन को स्पॉइल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले आप कभी ऐसे नहीं थे, आप बहुत इमोशनल, बहुत गिविंग, लविंग, केयरिंग पर्सन थे, बट पिछले कुछ टाइम में आप सडनली ऐसे हो गए कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप अपनी जिंदगी में अपने रिश्ते से भी खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई, उनका ध्यान कहीं और है, वो अपने परिवार में बहुत सदस्यों पर ध्यान दे रहे हैं पर आपकी वर्थ समझ नहीं रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको आपकी बात सुनी अनसुनी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से चीजें वर्क करें बट कहीं ना कहीं वो आपको सुन नहीं रहे हैं, जिससे वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप कुछ भी ठीक नहीं है, फेयर ऑफ लॉस आपके अंदर हावी है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के हो जाएंगे या किसी और के झांसे में आ जाएंगे, किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका माइंड जो है आपको बिना वजह इनसिक्योर और जलस फील करवा रहा है और बिना वजह आपके पार्टनर के अगेंस्ट कर रहा है। टावर की एनर्जी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा फील करेंगे कि आपको पता नहीं क्या हो गया और सडनली आप इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हैं, सडनली आपके बिहेवियर में इतना हैवी इंपैक्ट क्यों आ गया कि आप किसी की बात सुन नहीं पा रहे या उनकी बात समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप बहुत प्यार करने वालों में से और सडनली आपका बिहेवियर चेंज होता हुआ आपके पार्टनर को भी हैरान करता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते आपके ऊपर बेसिकली मुझे जो एनर्जी कैलकुलेटिव लगी वो ये पता चल रही है कि आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत नेगेटिव एनर्जी रहेगी इस हफ्ते। इस हफ्ते आप हैवीएस्ट नेगेटिव एनर्जी में हैं। मेक श्योर करें स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, पूजा पाठ को अपनाएं, मेडिटेशन करें या पॉजिटिव अफर्मेशन प्रैक्टिस करें, मंत्र चांटिंग करें, ताकि आपका मन जो है ना ज्यादा नेगेटिव नहीं हो, जो नेगेटिविटी की ओर आपका ध्यान जा रहा है ना वो नहीं जाए, मन जो है स्थिर हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए मन में, ठीक है। आप कोशिश करें ऐसी ऐसी चीजें की प्रैक्टिस करने की, योगा करें, ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप बेटर फील कर सकें, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, ताकि मन जो है आपका आपके लिए स्टेबल रहे, आपका मन स्थिर नहीं है। इस हफ्ते आप डेविल की एनर्जी में ज्यादा है, जिसको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, पागलपन है, जो पजेसिव हो रहा है, जिसको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, जो नेगेटिव हो रहा है डेविल। अब दानव का रोल कैसा रहता है, अब दानव वाली एनर्जी में इस हफ्ते ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप एक एंजल की तरह नहीं है, जबकि आप यूजुअली एक एंजल ही रहे हैं, आप इस हफ्ते बहुत वियर्ड बिहेव करेंगे, तो ऐसी एनर्जी है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। आपके सामने दानव हो और दानव के सामने जीत कौन सकता है, सबसे सुपीरियर कौन है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, वो हमारे देवताओं की और देवी देवताओं की है ना, हमारे एंजल्स की है, हमारे गॉडेस एनर्जीज की है, राइट। तो उनको अपनाएं, उनका हाथ पकड़ ले, ताकि आपको जो ये मुश्किल समय है वो उसको पार करने में आसानी हो, उसमें कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ऑब्स्टेकल ना रहे, ठीक है। सो अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसेस राशि वालों, अभी तक रीडिंग में कुछ मुझे इतना पसंद नहीं आया, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कुछ अच्छा आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग, स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कुछ आगे अच्छा आ जाए, ठीक है। सो इफ बाय एनी चांस ये वीक आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इस बात को समझना ये सिर्फ एक फेज है, ये लाइफ का एक फेज है जो निकल जाएगा, आगे की कहानी आपके लिए सुंदर ही होगी। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, मीन राशि वाले जो सिंगल हैं जून 24 से 30, बताएं क्या एक्सपेक्टेड है उन लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर शादी की कहीं बात आगे चल रही है तो वो बात कहीं ना कहीं कैंसिल होगी, सडनली वहां पे बात अटक जाएगी, सडनली जहाँ पे बात पक्की हो गई, सब कुछ आगे बढ़ रहा है और सडनली वहां पे बात कैंसिल हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सडनली वो इंसान जो है मुकर जाएंगे अपनी बात से और मतलब अपना रास्ता अलग कर देंगे, आपसे ऐसी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। आप किसी को मनी मन पसंद करते हैं तो उनके लिए आपका इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होंगे, आप उनके लिए बहुत ज्यादा लव फील करेंगे, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील करेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे जब वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। तब तक आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे कि यार अभी आखिर कब बताएंगे ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स। आपके क्रश अगर जिनको आप पसंद करते हैं वो व्यक्ति भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, बट यही एक इशू है जहां पर दिखाई दे रहा है कि आप फील करेंगे कि आखिर वो अपनी फीलिंग्स बोलते क्यों नहीं, ये इरिटेट कर सकता है आपको। बाकी ओवरऑल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए शादी वगैरह के लिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर शादी के लिए ये राइट मोमेंट नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के अनुसार आपकी बात कहीं ना कहीं पक्की जरूर होगी। थोड़ा सा डीले हो रहा है लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रहा है, देर सवेर आपके लिए डीले आपके फायदे में ही होता हुआ नजर आएगा। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू लव प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, इस वीक कोई नया लव प्रपोजल आएगा, लेकिन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि कोई आपकी जिंदगी में अगर कोई पुरानी याद है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसे आपने पकड़ कर रखा हुआ है तब उसे रिलीज करके आगे बढ़ने में समझदारी होगी, ठीक है। सो इमोशनली अगर कोई लव प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मिड ऑफ द वीक आपको प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, मीन राशि वाले जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जून 24 से 30, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्स, सन, हैंगमैन,
स्टार और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में पैशन, लव और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी रहेगी। चीजें तो बहुत अच्छी हैं आप लोगों के बीच में, एक्साइटमेंट है, रोमांस है, हैप्पीनेस है और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, सोल टू सोल, एक दूसरे को समझने का पावर है, एक दूसरे को लाइक ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ पा रहे हैं, वो आपको समझ पा रहे हैं, आप उनको लेकर पैशनेट है, वो आपको लेकर पैशनेट है, दोनों के बीच में एकदम एक्साइटमेंट, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए चीजें अच्छी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस स्थिति से खुश नहीं है क्योंकि आपको इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप में काश फ्यूचर होता। आप इस रिलेशनशिप में मोर देन कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, मतलब सॉरी मोर देन कमिटमेंट नहीं, मोर देन इस दिस रिलेशनशिप, इस अफेयर से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस अफेयर से आगे कहानी बढ़े और आप दोनों के बीच में कोई स्टेबल कनेक्शन बन जाए या बात आगे तक बढ़ जाए, या कुछ ऐसा है जो आपको अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट या वादा चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, जिससे थोड़े से आप अपसेट है, आप अकेला फील कर रहे हैं, डे नाइट के टाइम पे आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखो तो हफ्ता आपके लिए अच्छा है, रोमांस है, लव है, इंटिमेसी है, आप इंजॉय कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप हैं जो चाहते हैं कि इससे ज्यादा बिगर मिले। आप अभी करंट सिचुएशन से इतने सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सेटिस्फैक्शन कुछ और चाहते हैं आप अपने पार्टनर से जो आपको मिल नहीं रहा है, जिससे आप थोड़े से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो मिल जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाए। तो अब देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 24 जून से 30 जून, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, टू ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे कि अब मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी, मुझे उसके पास नहीं जाना, बस दैट्स इट, जो इनफ इज इनफ। आपने इनको लेकर बहुत ज्यादा मन बना लिया है जहां पर आप जो है इनसे दूर रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनसे अभी भी लव करते हैं। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं, आप उनसे प्यार करना बंद कर रहे हैं, नहीं, आपके मन में उनके लिए प्यार प्रेम सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप उनसे इस बात से नाराज है कि वो अभी तक इतना समय कैसे लगा सकते हैं इस रिश्ते को बेहतर करने में, उन्होंने इतना टाइम कैसे ले लिया। कहीं ना कहीं आप ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप अपने पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी को कोई ऐसे फोटो या स्टेटस पे देख लेंगे जिससे आपका मन बहुत भावुक हो जाएगा और मन बहुत ज्यादा टूटेगा, जिसकी वजह से आप ऐसा सोचेंगे कि यार ये जो हुआ ये बहुत गलत था, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, और इसके वजह से आप अपने पार्टनर के बहुत अगेंस्ट चले जाएंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, अब इस इंसान से मुझे बात नहीं करनी। आपके पार्टनर दूसरी तरफ थर्ड पार्टी पे ज्यादा फोकस करते हुए या अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने करियर पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ उनका ध्यान इस वक्त नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, बट इस वक्त दिक्कत क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहे हैं, आप उनसे नाराज हो गए हैं, आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और है, जिसकी वजह से आप दोनों को ही अपने प्रेम का अंदाजा ही नहीं है। लेट्स सी आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। मीन राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जून 24 से 30 क्या होने वाले। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपकी किसी बात से डिसअपॉइंटेड है, आप उनसे नाराज है लेकिन वो आपके किसी बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड है। उनको लग रहा है कि सब चीजें बदल गई, आपने बदल दी, सब सिचुएशन को बदलने दे दिया आपने। वो तो ठीक ठाक थे, वो तो सही से चल रहे थे, पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई जिसके वजह से प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्रिएट हुई। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भी एहसास है, पर ऑन दी अदर हैंड वो आपको भी किसी चीज के लिए ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपके बिहेवियर को लेकर और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर आप किस बात से खुश होंगे और आप उनसे आखिर चाहते क्या है। आपके दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है आखिर इतने ज्यादा कैसे बढ़ सकते हैं, वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, आप कभी कुछ कभी कुछ, और मुझे चांसेस पता नहीं क्यों दिख रहे हैं कि आपने शायद उनका नंबर सेव रखा हुआ है अपने मोबाइल में और उनका DBV भी दिखता है, आपका DBV भी दिखता है। मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि इस हफ्ते आप सडनली उनका नंबर डिलीट कर देंगे या उन्हें ब्लॉक कर देंगे, जिसमें वो आपका बिहेवियर देख के शॉक्ड हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि अचानक इसको क्या हो गया, अचानक से इसने नंबर क्यों डिलीट कर दिया, अचानक से इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। तो ये चीज थोड़ा सा आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर देगी और उन्हें लगेगा पता नहीं इसको क्या हो जाता है, पता नहीं ये ऐसे क्यों बिहेव करती है या ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर ओवर थिंक करेंगे और आपको समझ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पर ऑब्स्टेकल ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है आपकी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं रहेंगे इस हफ्ते, कि अपने वेल्थ, अपनी लाइफ की बाकी चीजों पे, अपनी खुशियों पे, अपनी हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आपका बिहेवियर डेफिनेटली उन्हें इरिटेट करेगा, इरिटेशन जरूर उन्हें फील होगा और उन्हें लगेगा कि पता नहीं इसको क्या हो जाता है। यदि आपने कोई नंबर सेव नहीं किया है तब भी वो आपको लेकर बहुत क्यूरियस से रहेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं ये इंसान का चल क्या रहा है, ये इंसान अभी तक आया क्यों नहीं, इसको बात तो कर लेनी चाहिए थी, अभी तक बात क्यों नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं क्यूरियस रहेंगे बट अपनी गलती को फील नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर ये ऐसा सोचेंगे कि ठीक है मैंने तो गलती करी, पर इसने
कौन सा ये कौन सा दूध का धुला हुआ है, लाइक ऐसा लग रहा है कि गलती करके भी एहसान दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है। नो कॉन्टैक्ट में अगर कहूँ तो सिचुएशन में मुझे एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेंगे इस वीक, ठीक है। एडवाइस क्या है मीन राशि वालों के लिए इस वीक की, 24 जून से 30 जून एडवाइस क्या है? नाइट ऑफ वॉन्स विद स्ट्रेंथ, अपने अंदर का हंसी मजाक करने वाला इंसान जगा दो यार, बहुत ज्यादा अपने अपने को अपने आप को सैड बना के रखा है। आप जो है ना अंदर से एक मरी हुई इंसान होता है ना, जिसमें बिल्कुल जिंदा ही नहीं है इंसान, एक वो जिसमें एक जीने की आशा ही नहीं है, ऐसे इंसान खुद को बना लिया है। आपने अपनी मुस्कुराहट जो है किसी और के नाम कर ली है, आप अपनी लाइफ में सैडनेस पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं, अपनी लाइफ में ना आपने एंजॉय करना बंद कर दिया, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ। नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी एंजॉय करना है, खुलकर जीना है, हैप्पी रहना है अपनी जिंदगी में। वो एक गाना ना, जिंदगी प्यार का गीत है ऐसे हर दिल को गाना पड़ेगा, इस तरीके के सॉन्ग सुने और खुद को एक्साइट करें, हैप्पी करें। बट आप जो है मतलब बहुत ही वो वाले मातम वाले गाने सुन रहे हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, तो इस तरीके के गीत ज्यादा सुन रहे हैं। आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव होना है, हैप्पी होना है, खुद को स्ट्रांग करना होगा। आप किसी पर निर्भर रह के अपनी जिंदगी को खराब नहीं कर सकते, ना ही किसी और को देखकर अपने लाइफ को सैड कर सकते हैं। ऐसा मत सोचे कि हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश है, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में खुश नहीं, हर इंसान को कोई ना कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स चल ही रही है, हर कोई अपनी जिंदगी में अकेला है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हील कैसे कर सकते हैं, खुश कैसे रख सकते हैं, उन चीज़ों पर ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, ना कि नेगेटिव चीज़ों पर। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीकली रीडिंग देखना बहुत पसंद है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको हर वीक नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग पोस्ट करूं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।